तो क्या आपने कभी ये बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए, अचानक से सारे इंसान गायब हो जाए, मतलब इंसान का कोई वजूद ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई जीव बच पाएगा, या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल ही चली जाएगी? अगर बात करें डे वन से, तो पहले ही दिन से बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। बिजली न रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी सेल फोन, टीवी, टीवी टावर, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा भी बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का भी सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इंसान न होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकरा कर नीचे गिरती रहेंगी। एक साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आ गिरेंगी। इंसानों के न होने से एक महीने के बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने की वजह से 3 महीने में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। अब बात करते हैं एक साल की। सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इमारतों का नाश होना भी शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें 10 साल के बाद, पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़े हर जीवों को प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेंगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम बिल्कुल साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। और अगर बात करें 25 साल बाद की, जितनी भी रोड सड़क है वो सारे पौधों से ढक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सिटी हो या गाँव हो, सभी जंगल में परिवर्तन हो जाएंगे। जानवरों को एक ही बहुत ही बड़ा इलाका रहने को मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे। और अगर बात करें 50 साल के बाद, धरती को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं दिखेगी। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुके होंगे। वही प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई चीजों भी डीकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। और अगर बात करें 100 सालों के बाद, धरती पर से सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में संतुलन बन चुका होगा। धरती पर के सारे मौसम पूरी तरह से समय पर सर होने लगेंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों का नामो निशान एकदम मिट चुका होगा। और अगर आप बात करें 300 साल के बाद, मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, आइफल टावर, सब कुछ टूटकर जमीन भूत हो चुके होंगे। कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगल ने जगह ले ली होगी। अलग अलग चिड़िया घरों की प्रजातियां वापस आएंगी। इस तरह जानवरों की भी कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेंगी। हमारे जाने के बाद सिर्फ धरती पर से जीव को फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। और अगर अब बात करें 500 साल बाद, धरती पर मौजूद कुछ बची कुछ इमारत की जगह भी जंगल आ चुके होंगे। और 1000 साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कहीं इंसान थे ही नहीं, सिर्फ उनके कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घिर चुकी होंगी। धरती पर से इंसानों की पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव तो है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर से वन्य जीवन शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर हम ये बात समझे नहीं कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हम सभी को हमारी इस धरती को साफ सुथरी रखना चाहिए, ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, आपको शोर वीडियो पसंद आई होगी, तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।